What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज है 19 नवंबर 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:35 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकते हैं। एक तरफ वैक्सीन के डेवलपमेंट की पॉजिटिव खबरें आ रही है तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस के केसेस दुनिया भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे वेव आने की बात हो रही है। तो कई जगहों पर यूरोप में लॉकडाउन हुआ है, यूके 4 दिसंबर तक लॉकडाउन है, तो यूएस में भी कई जगहों पर ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी फिर से एक बार लॉकडाउन होने का खतरा है। तो इसके मद्देनज़र थोड़ा सा प्रेशर भी है मार्केट में, हालांकि निफ्टी इंडेक्स देखे तो लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है, तो ये ओवरबॉट जोन में फिलहाल निफ्टी पहुँच चुका है। तो आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 18 नवंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि कल हमने एनालिसिस किया था, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बना था लेकिन इसका कन्फर्मेशन नहीं मिला था, सिर्फ सिग्नल मिला था। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक जो बना था उसका लो कल ब्रेक नहीं हो पाया और फिर से एक बार कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि हैंगिंग मैन कहते हैं उसका हाई ब्रेक करके निफ्टी ने फिर से एक बार ऑल टाइम हाई की तरफ अपना जर्नी था वो कंटिन्यू रखा। तो कल का ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,883। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, ओपन होते ही साथ ही इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, फिर से यह टूवर्ड साउथ की तरफ आया और जैसे ही इसने फिर से एक बार बाउंस बैक देखने की कोशिश की, एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और कुछ समय दोपहर का जो 11 से 1 बजे का समय होता है काफ़ी मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि वहां पर एक कंसोलिडेशन फेस देखने को मिलता है, साइडवेज पैटर्न। उसके बाद निफ्टी ने जैसे फिर से एक बार रिबाउंड किया, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 12,897, सेकेंड टारगेट 12,913, ये दोनों भी यहाँ पर अचीव किए। कुछ समय इस सेकेंड टारगेट को भी ये पेनेट्रेट कर रहा था, काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुआ और इसको भी जैसे ब्रेक किया निफ्टी और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये बढ़ते हुए नजर आए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू, चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार देखे तो वहाँ पर साफ तौर पर कोरोना के केसेस बढ़ने का कारण प्रेशर देखने को मिला, नासडैक करीब 97 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 130 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, वहीं जापानीज इंडेक्स भी 161 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 43 पॉइंट का इस समय डाउनफॉल डाउ फ्यूचर में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में फिलहाल एक हल्की सी कमजोरी नजर आती हुई। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट में जैसे कि फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया, इसका 76.4% का लेवल 13,072 के पास आ रहा है। 13,000 बीच में एक साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, जैसे कि हमने 12,000 के आसपास देखा, निफ्टी इंडेक्स ने लगातार 4 वीक्स 12,000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया। अभी ये 13,000 की तरफ बढ़ रहा है लेकिन अभी 2 दिन बाकी है, ये कैंडल जो है वीकली चार्ट देख रहे हैं कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 दिन बाकी है। तो लेट से निफ्टी इंडेक्स 13,000 को छूता है या फिर 12,600 को फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट करने आता है। अगर आरएसआई वर्सेस प्राइस एक्शन को हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर कि जैसे 70 के पास आता है निफ्टी इंडेक्स तो यहाँ पर एक करेक्शन दिखाई देता है। ये देखिए निफ्टी इंडेक्स 7200 ये ओवरबॉट जोन माना जाता है, इसके पास आता है तो प्राइस एक्शन में वेट करना होता है कब प्राइस का ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिले। तो 70 के आसपास आने के बाद एक सिग्नल होता है कि प्राइस यहाँ से ट्रेंड जो है ये रिवर्स हो सकता है। तो अभी फिलहाल अगर आप देख सकते हैं तो ये फिर से एक बार 70 के लेवल के पास आ चुका है, तो यहाँ पर वेट करना होगा कब प्राइस हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है, लॉन्ग टाइम फ्रेम का सिनेरियो है। चलते हैं निफ्टी के जो हमने RSI डाइवर्जेंस देखे थे 2 आर्ली चार्ट में, ये जो हाई लगाया था निफ्टी इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई 12,934 का एक दिन पहले, तो यहाँ पर भी हमने RSI डाइवर्जेंस को देखे थे कैसे
अगर आप यहाँ से देखें तो प्राइस एक्शन में जैसे जैसे हायर हाइज बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर RSI में भी हायर हाइज बनते जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर। लेकिन जैसे ही इस हाई के बाद प्राइस एक्शन में ये दूसरा हाई बन रहा है, ऑल टाइम हाई, लेकिन RSI में वहाँ पर हाई नहीं बना है। RSI नीचे की तरफ आया है, साउथ टूवर्ड साउथ डायरेक्शन में, और लोअर हाइज बना है। फिर से निफ्टी इंडेक्स यहाँ से नया हायर हाइज लगा रहा है, लेकिन RSI देखे तो फ्लैट है, RSI ने हायर हाइज नहीं लगाया। तो यानी कि क्लियर कट यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिल रहा है कि प्राइस एक्शन में कभी भी ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। हमें कॉशियस रहना होगा, ओवरबॉट जोन है ये, RSI डाइवर्जेंस है, तो यहाँ पर सिग्नल मिलने का वेट करना होगा। जब ये प्रीवियस डे का लो कंफर्टेबली ब्रेक करेगा तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ से हमें एक करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये डाइवर्जेंस देखे थे हमने, फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स ने हायर हाइज लगाए, नए हाइज, लेकिन RSI फेल हो चुका है नए हाइज लगाने में। तो ये RSI डाइवर्जन एक सिग्नल था कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है, प्राइस एक्शन के लिए वेट करना होगा। आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल सोच सकते हैं? निफ्टी इंडेक्स कल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, यानी 12,949 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,964 और सेकेंड टारगेट होगा 12,979, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो लास्ट स्विंग हाई यहाँ पर बन रहा है, ये जो यहाँ पर इसने स्विंग हाई बनाया है, ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है लास्ट स्विंग हाई का। तो ये जो लेवल है 12,881, इसको अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली निफ्टी इंडेक्स, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,866, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये 20 EMA का मूविंग एवरेज आर्ली चार्ट में, जो कि 12,841 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। जैसे कि SGX निफ्टी देख रहे हैं 100 पॉइंट्स डाउन है, अगर निफ्टी इंडेक्स भी गैप डाउन ओपन होता है, एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन, तो वेट करना होगा इन लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में, तो ही हम शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। अदरवाइज जब ये फिर से ऊपर आके इसको रीटेस्ट करके फिर से नीचे की तरफ आएगा, तब हम पोजिशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये था आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।